हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन, आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी भी नया सिस्टम या कोई लैपटॉप परचेज किया है और उसमें कोई प्रॉब्लम आने लग गई है? अगर प्रॉब्लम आ रही है और आपको मॉडल नंबर और सीरियल नंबर की आवश्यकता पड़ रही है, अगर आपने कस्टमर केयर या सर्विस सेंटर नंबर पे या टोल फ्री नंबर पे फोन किया होगा, तो वहां पे सबसे पहले आपको मॉडल नंबर और सीरियल नंबर मांगते हैं और आपने इसका डब्बा तो फेंक दिया होगा अब तक। तो फिर आप उसका नंबर, सीरियल नंबर और उसका मॉडल नंबर कैसे ढूंढोगे? पीछे स्टिकर पे अगर स्टिकर क्लियर हो गया हो तो मिलना मुश्किल है। अगर मिल जाता है तो सही है, नहीं मिलता है तो आप विंडोज 10 ओपन करके उसके अंदर से आप उसका सीरियल नंबर और उसका मॉडल नंबर कैसे देखोगे, आज इस वीडियो में मैं वही दिखाने वाला हूं। तो फिर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे लिखेंगे अपन SYSTEM सिस्टम इंफॉर्मेशन और इस पर क्लिक कर देंगे। एक विंडो ओपन होगी, इसके अंदर इस सिस्टम की लगभग पूरी डिटेल है, जैसे OS नेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 प्रो है इसके अंदर, इसका वर्जन कौन सा है, इसके बाद ये कौन OS मैन्युफैक्चरर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसके अलावा सिस्टम मैन्युफैक्चरर कौन सा है, ये सोनी का है, सोनी कॉरपोरेशन, मेरा सिस्टम सोनी का है। सिस्टम मॉडल नंबर इसके अंदर SVE ये 15123 करके इसमें मॉडल नंबर दिया हुआ है, लेकिन कई सिस्टमों में, कई लैपटॉप के अंदर ये दिखाता है, जैसे HP का लैपटॉप तो HP नोटबुक 15 प्रो करके दिखा देता है, तो उसमें पूरा मॉडल नंबर नहीं आता, जबकि वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है पूरे मॉडल नंबर की। तो इसके लिए मैं आपको अभी एक कमांड बताने वाला हूँ जस्ट, तो उस कमांड से आप उसका पूरा मॉडल नंबर, पूरा सीरियल नंबर निकाल सकते हो। इसके अंदर आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी, इसके अंदर कौन सा i3 का कौन सा वर्जन है, इसके अलावा इसके अंदर रैम कितनी लगी हुई है वो भी इसके अंदर पता चल जाएगी, रैम 4GB है, और बायोस मोड कौन सा है, इसका लेजेसी मोड है, इस तरीके से UEFI या लेजेसी जो भी होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। फिर इसके बाद मैं आपको वहीं पे ले चलता हूँ, सीधा स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देन CMD, फिर इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे, देन इसके अंदर अपन कमांड देंगे, इसमें ये कमांड मैंने पेस्ट कर दी है, ये कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको भी कॉपी पेस्ट करनी है और एंटर मारना है। ये देखो इसका सीरियल नंबर आ गया, ये पूरा सीरियल नंबर आ गया, इस तरीके से आप सीरियल नंबर देख सकते हैं। और इसके बाद मैं दूसरी कमांड कॉपी कर रहा हूँ, देन इसको कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट और देन एंटर मार रहा हूँ, और ये इसका मॉडल नंबर आ गया इसमें। इस तरीके से मॉडल नंबर और सीरियल नंबर दोनों आप देख सकते हो। दोनों की कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके ये कॉपी पेस्ट कर लेना और आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।